डीसी के पावर सप्लाई से। ये आप देखेंगे ये बैटरी का वायर है, 12 वोल्ट बैटरी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके वोल्ट को नाप लेता हूँ। ये देखिए इसका वोल्ट जो है अभी 14.27, इस तरह से ये डीसी वोल्ट है, डीसी बैटरी से कनेक्ट है। अब इससे मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये जो आप वायर को देख रहे हैं ये नेगेटिव वायर है, यहाँ नेगेटिव को कनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पॉजिटिव को कनेक्ट कर लूँगा। और इस तरह से देखिए आपका सेलफोन जो है वो 50% चार्ज हो चुका है, ये चीज़ आपने देखा फ्रेंड्स। अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, वो क्या कि जब ये चार्जिंग होता है डीसी सप्लाई से फिर एसी सप्लाई से, उसमें भी हम इसके एम्पियर को चेक करेंगे कि ये चार्जिंग के दौरान कितने एम्पियर लेता है। तो ये एम्पियर को आप यहाँ पर सेट कर लें, ये प्रॉप को निकाल करके आप इसमें इस प्रॉप को लगा लें। अब यहाँ पर आप क्या करें, नेगेटर को इस तरह से कनेक्ट कर दें। उसके बाद ये जो पॉजिटिव वायर जो आप देख रहे हैं, इस पॉजिटिव वायर में इस प्लस प्रॉप को लगाएं और यहाँ जो आपका आउटपुट निकलेगा उसे आप यहाँ कनेक्ट करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 50% चार्जिंग ले रहा है और ये चार्जिंग के दौरान जो है आपका इनपुट जो जा रहा है उसमें 0.73 एम्पियर ये ले रहा है। यहाँ आप देखेंगे अब इसके एम्पियर को मैं चेक करूँगा। इस ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई इनपुट हो चुका है, तो ये लाल प्रॉप को यहाँ पर रखें, इसका एम्पियर को मैं चेक करूँगा। ये जो ब्लैक प्रॉप देख रहे हैं तो इसमें इनपुट देना है, ये देखिए टच होने के बाद 50% इस तरह से चार्जिंग ले रहा है और 0.4544 इस तरह से इसका एम्पियर बता रहा है। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स, जब मैं बैटरी को कनेक्शन जब 12 वोल्ट से देता हूँ तो उसमें कुछ एम्पियर आपने देखा है वो 70 के प्लस है और इसमें 40 प्लस है। तो इस तरह से जब ट्रांसफार्मर से एम्पियर के अनुसार जब आप देंगे तो इस एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है। आप तो ये देखें कि इसमें कितने एम्पियर जब मैं यहाँ देता हूँ तो इस तरह से इसके इनपुट में कितना एम्पियर से ये चार्ज हो रहा है वो आपने देखा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये यूएसबी केबल में जब सप्लाई जो इनपुट हो रहा है वो कितने एम्पियर से हो रहा है और ये जो पॉजिटिव है इससे आपको यहाँ पर देना है। तो ये देखिए चार्जिंग इनपुट ले लिया है और यहाँ आप देंगे कि 45 एम्पियर से ये चार्ज हो रहा है। पता चला कि जब मैं एसी ट्रांसफार्मर के लाइन को इनपुट करता हूँ तो वहाँ पर भी आप 0.44 जो एम्पियर ले रहा है। जब मैं इस यूएसबी केबल से जब आउटपुट इसका निकल रहा है 5 वोल्ट, उसमें भी मैं जब चेक किया इसके एम्पियर को तो वो भी आपका एम्पियर जो है वो 0.44 के करीब बता रहा है। वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ इसमें लाइन इनपुट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इसके डीसी करेंट को तो कितना एम्पियर लेगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 60 प्लस है। इस तरह से इतना एम्पियर से आपका मोबाइल जब चार्ज होता है तो ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जब हम इसमें देंगे तो इस तरह से लेता है 57 59, ये 1 एम्पियर का पावर आपको ले रहा है। चार्जिंग के दौरान भी आपका इतना ही लेगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने देखा इसके सारे एम्पियर कनेक्शन। अब मैं इसको चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 50%। अब वीडियो को आप पॉज कर दूंगा, परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो इसे मैं पॉज कर दूंगा और इस तरह से देखिए ये चार्जिंग होता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 52% हो चुका है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये चार्जिंग ले रहा है, 50 से 52% हो चुका है। तो आपका सेलफोन अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है, तो देखा आपने इस वीडियो में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आपका रेगुलेटर है 7805 का ये आईसी किस तरह से वर्क किया और आपका मोबाइल को किस तरह से चार्ज कर रहा है। बट मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप ये आईसी से रेगुलेटर बनाना चाहेंगे तो सिर्फ आप एक कैपेसिटर को भी यूज करके कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस साइड में भी मैं कैपेसिटर को यूज किया, यहाँ पीएफ को लगाया हूँ, तो 2 पीएफ 1 कैपेसिटर ये इसलिए लगाया हूँ ताकि इसमें इनपुट सप्लाई जो पावर हो वो सही रूप से इसमें जाए, जिससे आपका ये आईसी जो है वो ब्रेक ना करे, खराब नहीं होगा, इसके लिए मैं लगाया हूँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो इधर से आपका इनपुट सप्लाई जब इसमें हो करके जाए
जाएगा वो आपको शुद्ध रूप से जाए, और यहाँ जो आपको आउटपुट निकलेगा 5 वोल्ट वो भी आपका शुद्ध रूप से निकले, जिससे आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन को अगर चार्ज करते हैं उसको तो वो आपका सही से चार्ज भी होगा और ये आईसी जो है वो आपका ब्रेक नहीं करेगा। एक बात और, जब आप मॉड्यूल लगाते हैं कोई भी यूएसबी कार्ड को जब इस पे आप चलाएंगे तो उसमें हविंग का जो प्रॉब्लम होगा वो आपका नहीं होगा, बट अगर आप सिर्फ एक ही कैपेसिटर का यूज करते हैं ये आउटपुट में तो उससे क्या होगा कि कुछ आपका हविंग का आएगा, जिससे आपका आईसी भी जो है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आप एक डायोड भी लगा सकते हैं जिससे ये इसका पावर जो है वो इधर ना आए, तो यहाँ इसका भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि इसका कनेक्शन करके मैं अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है। अब इसका यूज आप क्या क्या में कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन को भी चार्जिंग में आप यूज करेंगे, यूएसबी कार्ड जो है 5 वोल्ट जहाँ आपको 5 वोल्ट की आवश्यकता हो उसका यूज करेंगे, उसका बैटरी लगा हुआ रहता है तो उसमें भी आप इससे मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। तो अगर मोबाइल का चार्जर अगर कहीं भी ख़राब हो चुका है तो आप इस रेगुलेटर को बना करके आप एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये 1 एम्पियर का है फ्रेंड्स, इस पर आप एक ही मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये देखा आप इसका यूज भी जानेंगे कि आप इसे सोलर प्लेट से भी चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको पावर सप्लाई जो है वो 6 वोल्ट से 35 वोल्ट तक ही देना है, 35 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ये आपका आईसी ब्रेक हो जाएगा। 6 वोल्ट से कम देंगे आपका तो ये आईसी आपका वर्क नहीं करेगा, तो इतने वोल्ट के बीच में आप चलाएंगे तो ये आईसी आपका वर्क करेगा, अच्छी तरह से सप्लाई को देगा, जिससे आपका ये 5 वोल्ट पावर आउटपुट निकलेगा। तो इसी तरह से आपने देखा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी तरह की ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।